अशरफ मियाँ, अशरफ मियाँ, अशरफ मियाँ। अरे जमीर भाई, अस्सलाम वालेकुम, बहुत दिनों के बाद, कैसे हैं आप? ये क्या तो भी हो रहा भाई, रात के 12 बजे। अरे आपको नहीं मालूम जमीर भाई, आज ईद मिलादुन नबी है। आज इस तो इश्क नबी के तकाजे पूरे करने हैं। वो कैसा अशरफ मियाँ? अब सुबह उठ के जुलूस में जाना है, कलरों से फुल खेलना है, फुल साउंड से नाता लगाना है, बाइक पे ये झंडा लगा के चौरस्तों पे गाड़ी रोक के या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हुए पूरा रास्ता ब्लॉक करना है। गली देखे अपने घर की कैसी सजी? बाजू गली वाले 20,000 खर्चा करे, अपन चंदा करके 40,000 रुपए खर्च करके लाइटिंग फवारे लगाए। और है सुना वो, अब बस करो अशरफ मियाँ ये बेकार के बाता, पूरे दिन का शेड्यूल बता दिए तुम, एक तो भी नमाज का जिक्र करे। तुम बोले सो उसमें एक भी काम सुन्नत है मियाँ? अब क्या है कि जमीर भाई, सो वैसेज कर रहे तो मैं समझा। अशरफ मियाँ, हुजूर से मोहब्बत का तकाजा सिर्फ एक दिन नहीं पूरी जिंदगी भी करते बैठे तो कम है। रास्तों को सजाना, कलरों से खेलना, हुजूर से मोहब्बत का तकाजा ये रहता था ना तो सहाबा इकराम औलिया अल्लाह यही करते थे। और ये जो नाता तुम फुल साउंड से लगा के या रास्तों को रोक के अपने आप को बहुत बड़ा आशिक रसूल साबित कर रहे ना, इससे जिन जिन के सेहता कामा खराब हो रहे इसका वबाल तुम्हारे चुप पर रहेगा। अल्लाह मियाँ को जवाब देना पड़ेगा, देखो हुकूकुल इबाद का अशरफ मियाँ। अरे ये तो मैं सरकार की मोहब्बत में कर रहा हूं ना जमीर भाई। ऐसा सरकार की मोहब्बत में कर रहे? सरकार की जिंदगी पर एक छोटी किताब तो भी पढ़े तुम, इतनी उम्र हो गई तुम्हारी। नहीं पढ़ा जमीर भाई, ऐसे कैसे आशिक रसूल है? सरकार की जिंदगी पर एक किताब नहीं पढ़े, अगर पढ़ते ना तो ऐसे हरकतां कभी नहीं करते थे तुम। अब नाता भी नक को पढ़ो बोलते शायद। अरे मैं उससे नहीं रोक रहा मेरे भाई, मगर ऐसा नहीं हो जाना खाली मोहब्बत के खोखले दावे कर रहे अपन, अमल वैसे इस दिन से खाली। अपने घर वाले या दोस्तां बर्दाश्त नहीं करते यारो मोहब्बत के ये खोखले दावे, यहां तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। अपनी जिंदगियों पे जरा सीरियसली नजर डाले ना, ऐसे दावे करते वक्त रूह कांप जाना अपनी। ऐसा कहीं को बोल रहे जमीर भाई, पूरी जिंदगी हुजूर की लाई हुई शरीयत से खाली है, फराइज सही से अदा नहीं करते, कर्जे हसना बोल के कर्जे ले लेते और वापस मांगे तो ही करके हंसते, फाइनेंस के दुकानों पे बुरके वालों के लाइना लगे हुए रहते, बहनों की जायदाद का हक मार के बैठे हुए हैं, जहेज के नाजायज डिमांडों की वजह से कई बच्चियों के शादियां रुके हुए हैं, नौजवान बच्चे बच्चियों की पूरी जिंदगी किसी और को आइडियल मानते हुए चल रही, और ऐसी जबानों से ये दावे खोखले नहीं तो और क्या दिखते अशरफ मियाँ? एक बात कान खोल के सुन लो अशरफ मियाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। यह है देखो मोहब्बत का असल तकाजा, हुजूर की सुन्नतों पे अमल करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को अपनी जिंदगियों में लाना। इसके बगैर
कुछ भी नहीं होता।